राजेश कुमार। IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, मैं हूं जूली, आप इस वक्त देख रहे हैं IVTV। सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए ये किसी को पता नहीं होता है। इन दिनों नालंदा का सोनू सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। सोनू इतना पॉपुलर हो गया है कि अब उसके नाम से एक भोजपुरी गाना भी बन गया है। सोनू कुमार के IAS बना दी यानी नीतीश चाचा। आपको बता दें कि सोनू जो है नालंदा का है और उसको लेकर के अब ये गाना बनाया गया है। IAS बने के तैले पादोहार। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार अपने गृह जिला नालंदा में गए थे और वहां पर उनकी मुलाकात सोनू कुमार से हुई। सोनू ने नीतीश कुमार को रोककर कहा कि मुझे पढ़ने की हिम्मत दीजिए, मुझे शिक्षा पानी है, लेकिन मेरे पिताजी जो हैं वो शराब पी लेते हैं जिसकी वजह से सारे पैसे घर के ख़त्म हो जाते हैं और इसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाता। उसने ये भी बताया कि वो खुद 5वीं कक्षा में पढ़ता है लेकिन 5वीं तक के बच्चों को वो ट्यूशन भी पढ़ाता है। ऐसा जब बात सामने आया तो सोशल मीडिया पर सोनू जो है जंगल की आग की तरह फैल गया। हर तरफ सोनू को लेकर के चर्चाएं होने लगी और इन सब के बीच अब एक भोजपुरी गाना भी सोनू के नाम से बना दिया गया है, जिसमें नीतीश कुमार से सोनू को IAS बनाने की बात कही जा रही है, उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में कराने की बात कही जा रही है। सोनू जो है अब एक तरीके से सेलिब्रिटी बन गया है बिहार का और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। हर एक न्यूज़ चैनल पर सोनू का चेहरा दिखाई दे रहा है, सब कोई सोनू वाही कर रहा है और दूसरी तरफ सोनू जो है वो अपनी शिक्षा की मांग लगातार कर रहा है। कई लोग उसकी शिक्षा में उसकी मदद करने के लिए सामने भी आए, फिर चाहे बॉलीवुड अभिनेताओं की बात करें या फिर राजनीतिक नेताओं की, सभी सोनू की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और इन सब के बीच अब सोनू जो है लोगों के दिलों में घर कर चुका है। इस तरीके से वो सबके जहन में बैठ गया है कि लोग उसके बारे में दिन रात बातें कर रहे हैं और अब तो उसको लेकर के भोजपुरी गाना भी बनाया जा चुका है। IAS बने के तैले पादोहार। बता दें कि सोनू को लगातार इस तरीके से लाइमलाइट मिल रही है और अभी भी इतने दिन बीत जाने के बावजूद वो मीडिया में बना हुआ है, कोई ना कोई उसको लेकर के खबर लगातार चला रहा है और अब ये गाना एक बार फिर से वायरल हो रहा है, जो कि सोनू को IAS बनाने के लिए नीतीश कुमार से अपील कर रहा है और इस गाने को लेकर के लोग काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ ही दिन हुए हैं इस गाने को रिलीज़ हुए और लाखों में इसके व्यूज़ चले गए हैं।